अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दानिश बर्ड टीवी। तो भाई आज आपसे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। भाई आपको सबसे पहले अपने शेड के अंदर ये चीज़ लाजमी रखनी चाहिए। ये क्या है? ये जी पारब्लू ओपलाइन है। पारब्लू ओपलाइन जो हेड टू नेक येलो कलर का होता है, मैंगो कलर होता है इसका, ठीक है, पीले कलर का होता है और बाकी इसकी बॉडी टर्क्वाइज में भी होती है, वॉलेट में भी होती है और बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये बर्ड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हॉट पेयरिंग है। अच्छा जी, इसका अगर हम पेयर लें मार्केट में, अडल्ट पीस अगर लें मार्केट से, तो मार्केट में इसका अडल्ट पीस हमें मिलता है, मेल हो या फीमेल हो, 30 से 40 हज़ार के दरमियान इसका अच्छे क्वालिटी में, अच्छे साइज़ के अंदर हमें बर्ड मिल जाता है आसानी से। अगर इसका चिक लें तो 25 से 30 हज़ार के दरमियान हमें इसका चिक मिल जाता है। तो भाई ये साल में 4 से 5 ब्रीड करते हैं और इनके बच्चों की एवरेज है 3 से 4, ठीक है। इनमें मोर्टैलिटी रेशियो बहुत कम होता है। मोर्टैलिटी का मतलब कि इनके बच्चे बहुत कम मरते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है और ये ब्लैक कई के अंदर है। अच्छा जी, सेकेंड मैं आपको ये बता दूँ कि इस बर्ड का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। इस बर्ड का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। वो फ्यूचर इसलिए है कि भाई ये हर म्यूटेशन में इस्तेमाल होता है, हर म्यूटेशन में इस्तेमाल होता है और इस बर्ड को बहुत ज़्यादा जो ना डिमांड की जाती है इस बर्ड की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल देता हूँ कि पारब्लू ओपलाइन पेल फैलो में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी। उसमें ग्रीन बर्ड भी आता है, ब्लू भी आता है, लेकिन पारब्लू ओपलाइन में जब आता है बर्ड, ठीक है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है और बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है और ओपलाइन इसी बर्ड से बनता है, ठीक है जी। पारब्लू ओपलाइन से ओपलाइन बर्ड बनता है। अच्छा जी, उसके बाद जी पैलेट पारब्लू ओपलाइन जो है ये भी बहुत डिमांडेड बर्ड है, ठीक है। तो ये भी म्यूटेशन, इसमें हम म्यूटेशन में यूज़ करते हैं पारब्लू ओपलाइन को। तो इसको भी जो है हम मतलब जितना भी सस्ती पेयरिंग को उसमें अगर हम पारब्लू ओपलाइन को ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल गिना जाता है। अच्छा हाँ जी, तो उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे डन फेलो ओपलाइन। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है और बहुत ही ज़्यादा नयाब ये रेयर बर्ड है, ठीक है। अगर हम डन फेलो ओपलाइन देखें तो वो भी पारब्लू के अंदर आता है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी की जाती है। अच्छा जी, इसकी डिमांड इसलिए की जाती है कि ये बहुत खूबसूरत लगता है, हर म्यूटेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको हर म्यूटेशन में जो ना कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसलिए इस बर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जी भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि भाई जब भी आप मार्केट से या किसी भी ब्रीडर हजरात से बर्ड परचेज़ करें तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने करना ये है कि बर्ड्स लेते हुए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बर्ड का साइज़ आपने देखना है। बर्ड का साइज़ अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टांस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड फिर आपने ये देखना है कि बर्ड्स के जो नेल्स हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। बर्ड्स अगर स्टिक पे बैठा हुआ है तो उसके पंजे बिल्कुल सीधे हों, टेढ़े मेढ़े पंजे ना हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है इनकी आईज़ जो हैं वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, खारिश ना हो और आईज़ कोई डैमेज ना हो, दोनों साइड से बर्ड्स को नज़र आना चाहिए। फिर जब आप ये चीज़ें चेक कर लें तो तीसरी ये चीज़ है कि आप इनकी फ्लाइंग चेक करें, ठीक है। फ्लाइंग चेक करके देखें, ये शॉर्ट फ्लाइंग तो नहीं है। अगर शॉर्ट फ्लाइंग है तो आप बर्ड्स ना लें, क्योंकि शॉर्ट फ्लाइंग के बर्ड्स, काफ़ी बर्ड्स ऐसे हैं जो ब्रीड नहीं करते, वो आपके काम के भी नहीं होते और उसके रेट भी आपको नहीं मिलते। अच्छा जी, इसके अलावा आपको तकरीबन मैं सारी बातें बता चुका हूँ, ये है जी पारब्लू ओपलाइन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।